नमस्कार दोस्तों, एक्सप्रेस प्रिंटिंग की एक और नई ट्रेनिंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक नई ट्रेनिंग वीडियो आपके लिए लेकर के आए हैं। काफ़ी टाइम हो गया है ट्रेनिंग वीडियो अपलोड नहीं हुई। काफ़ी क्वेरीज भी आ रही थी कि सर आपने जो नए शिपर्स वगैरह ऐड करे हैं इस तरीके के, दो शेप में दो साइज़ में बेसिकली ऐड हुए हैं हमारे पास, तो इनकी क्वेरीज आ रही थी। सर हमने मशीन तो ले ली, शिपर्स वगैरह भी ले लिए आपसे, लेकिन इनकी प्रिंटिंग क्या होगी, टेम्परेचर क्या हो गया। तो आज हम इस वीडियो में जो कवर करने वाले हैं वो इन दो 5-in-1 मशीन के मग मशीन के थ्रू, जो 5-in-1 के साथ ये मग मशीन आपको मिलती है, इसके थ्रू क्या कैसे शिपर प्रिंट होगा, क्या टाइम होगा, क्या टेम्परेचर होगा वो बताने वाला हूँ मैं आपको। 3D वैक्यूम मशीन के थ्रू कैसे प्रिंट होगा, क्या टाइम होगा, क्या टेम्परेचर होगा वो पूरा का पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, इस तरीके से 3D वैक्यूम मशीन होती है, ये मैं आपको पूरा का पूरा आज आपको बताने वाला हूँ। इसका ट्यूटोरियल वगैरह आपको जानना हो तो वो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड है, आप उसको देख सकते हो। अभी मैं जो बात करने वाला हूँ शिपर की बात करने वाला हूँ, ये दो, ये 750 ml का है, ये 600 ml का है, प्योर इंपोर्टेड शिपर है बेसिकली हमारे हैं। दो प्रिंट मैंने निकाले हुए हैं, एक प्रिंट छोटे के लिए निकाला हुआ है, छोटे शिपर के लिए, एक पे बड़े शिपर के लिए मैंने प्रिंट निकाला हुआ है। ठीक है, दो प्रिंट बेसिकली सब्लिमेशन पेपर पे मैंने निकाले हुए हैं। ठीक है, इसमें जो हमारी पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको टेम्परेचर का एक बार आइडिया दे देता हूँ कि किस तरीके से आपने टेम्परेचर वगैरह सेट करना है। ये मशीन आपने ऑन करनी है, ठीक है, इसमें आपको मोड पे पहली बार मोड पे बटन क्लिक करना है, तो इसका कम से कम टेम्परेचर आपने 350 रखना है। दोबारा मोड पे क्लिक करोगे सेम टेम्परेचर रखना है 350। तीसरी बार टाइम पे आएगा तो टाइम जो रखनी है इसके लिए हमें रखनी है 150 सेकेंड। इसको मैं 150 पे बढ़ा के कर देता हूँ, इसको 150 मैंने ही कर दिया है और मोड का बटन एक बार और क्लिक कर दिया है। तब तक ये मशीन हीट होती है, तब तक मैं 3D वैक्यूम मशीन का बता देता हूँ को किस किस तरीके से करना है। सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ, देखिए इस तरीके से यहाँ से ये मशीन का बटन ऑन करना है आपने। जैसे ही आप ऑन करोगे यहाँ पे लाइट आ जाएगी। लाइट आने के बाद मशीन सिर्फ ऑन हुई है, पावर ऑन हमें इस पावर के बटन को क्लिक करके करना है। सबसे पहले हमने पावर का बटन क्लिक करना है। ठीक है, अभी हमें जो टाइमिंग करनी है, टेम्परेचर इसमें जो हो रहा है वो 190 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। अगर मैं टेम्परेचर पे क्लिक करूँगा, अब देखिए ये ब्लिंक करना स्टार्ट कर गया है, इससे मैं टेम्परेचर सेट कर सकता हूँ। अगर मेरे को घटाना है, कम करना है टेम्परेचर, तो मैंने टेम्परेचर पे क्लिक करा है, ब्लिंक कर रहा है, ये इससे कम कर सकते हो और इससे ज़्यादा कर सकते हो। इसमें जो मैं टेम्परेचर बेसिकली रखने वाला हूँ वो 190 डिग्री सेल्सियस में रखने वाला हूँ। इसमें जो टेम्परेचर होगा वो डिग्री सेल्सियस में होगा, और 5-in-1 मशीन में जो टेम्परेचर चलता है वो फेरनहाइट में चलता है। ठीक है, तो वो हमेशा ज़्यादा रहेगा फेरनहाइट वाला। फिर मेरे को टाइमिंग करनी है कि टाइमिंग कितनी रखनी है। मैंने टाइमिंग का बटन क्लिक करा, अभी देखो टाइम वाला आपको ब्लिंक करने लगा, तो इसको मैं कम कर सकता हूँ यहाँ से, और प्लस वाले से साइन से मैं ज़्यादा कर सकता हूँ। तो इसमें जो टाइमिंग रखने वाला हूँ मैं 7 सेकंड के करीब रखने वाला हूँ। ये ब्लिंक बंद करने के लिए आपको टाइमिंग का बटन एक बार और क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, जब 3D वैक्यूम मशीन के दौरान आप प्रिंटिंग करोगे तो आपने सबसे ज़्यादा चीज़ ध्यान देने वाली ये रहती है इसमें कि आप हमेशा ग्लव्स पहन के इस्तेमाल करें। ग्लव्स का इस्तेमाल आपको हमेशा करना पड़ेगा क्योंकि इसमें काफ़ी आपको जलने का डर रहता है। ठीक है, इस तरीके से मैं सबसे पहले ये ग्लव्स पहन लेता हूँ। मशीन को इस तरीके से आपने खोलना है ये। ठीक है, इसमें बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट ये होता है, इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। ये पार्ट जो हमारा, मैं बता भी देता हूँ, ये पार्ट जो हमारा यूज़ होता है बेसिकली इसलिए यूज़ होता है कि इसमें हम इस तरीके के फ्रेम्स प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, ये जितने फ्रेम्स आप देख रहे हो MDF के फ्रेम, ये सारे के सारे आप इस ऊपर के पोर्शन से आप प्रिंट कर सकते हो, मोबाइल कवर प्रिंट कर सकते हो, तो इसकी तो अभी हमें ज़रूरत नहीं है। तो मैं, ये आपको मेरी गर्म हो रही है मशीन, ये आपको गर्म होने से पहले हटा के रखना है, ये मैं इसको रख देता हूँ साइड में। ठीक है, अभी ये इस पोर्शन पर हमने ये करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, मशीन को डाउन कर देता हूँ मैं। ठीक है, अभी मैं हीटिंग, अभी हमने टाइम भी सेट कर दिया है इसका और टेम्परेचर भी सेट कर दिया है इसका। ठीक है, इसके बाद जो हमें करना है इस हीटिंग के बटन को क्लिक करना है। अब आप देखें यहाँ पे रेड कलर का एक साइन आ गया है और मशीन ने भी साउंड करना स्टार्ट कर दिया, अगर आप सुन पा रहे हो। एक बार और मोड का बटन क्लिक करूँगा तो दो इसमें हीटर, बेसिकली दो हीटर होते हैं, एक ऊपर हीटर होता है, एक नीचे हीटर होता है। ठीक है, तो दो हीटर बेसिकली इसमें होते हैं। तो अभी मैंने ये दोनों हीटर भी ऑन कर दिए हैं। हमारी 5-in-1 की जो मग मशीन है वो हमारी रेडी है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ 5-in-1 मशीन का कि किस तरीके से आपने शिपर पे आपको फ़ोटो वगैरह लगाना है। ये वाला मेरा बड़े का है, ये वाला मेरा छोटे का है। ठीक है, ये 600 ml की है, ये शिपर 600 ml का है, ये लीजिए। मैं इस पर लगा दूँगा, इस पर सब्लिमेशन टेप का बेसिकली इस्तेमाल करना है आपको। इसमें सब्लिमेशन टेप का इस्तेमाल इसीलिए ही होता है, अब आपको पता ही है जो हमसे काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, सब्लिमेशन टेप जो है वो पिघलती नहीं है। अगर आप हाई टेम्परेचर पे कोई भी प्रिंटिंग करते हो तो पिघलती नहीं है। ये लीजिए, यहाँ पे मैंने इसको अटैच करना है इस तरीके से। टेप मैंने ली और दोनों को एक साथ रख के एक तरफ से ही टेप का इस्तेमाल कर देना।
यहाँ पे कराई और इस तरीके से मैंने लगा दी इसके ऊपर। पेपर को अच्छी तरीके से आपको टेप का इस्तेमाल करना है, पेपर को होल्ड अच्छे तरीके से रखना है, क्योंकि पेपर पे अगर होल्ड नहीं रहेगा तो प्रिंटिंग में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। वैसे प्रिंटिंग काफ़ी आसान होती है, सब्लिमेशन का प्रोसीजर जो है हर चीज़ का, मेरे पास काफ़ी डाउट आते हैं सर मैं ये चीज़ प्रिंट नहीं कर पा रहा हूँ या मैं ये चीज़ प्रिंट नहीं कर पा रही हूँ, तो उनके लिए मैं यही बात बोलता हूँ कि आप हमारी यूट्यूब पर जो प्लेलिस्ट डली हुई है, हर तरीके की वीडियो डली हुई है, मग की डली हुई है, टी शर्ट्स की डली हुई है, विनाइल की डली हुई है, इनफैक्ट आपको ये डिज़ाइन किस तरीके से निकालना है उसकी भी वीडियो हमारी अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल एक्सप्रेस प्रिंटिंग पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे, आपको उसमें लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे, टाइम टू टाइम वीडियोस आती रहेंगी। इस तरीके से मैंने अभी रेडी कर दिया है, ठीक है। इसके बाद मैं आ जाता हूँ बड़े वाले पे, 750 ml वाले पे, इसको भी सेम तरीके से आपने लगाना है, ठीक है। ये पेपर लिया मैंने और इस तरीके से मैंने इसको लगा दिया है, इस पर भी सब्लिमेशन टेप का सेम प्रोसीजर है, सब्लिमेशन टेप का आपने इस्तेमाल करना है। अगर आप सुन भी पा रहे हो तो मशीन हमारी रेडी हो चुकी है 5-in-1, तब तक हम इसको लगाएंगे हमारी ये वाली मशीन भी रेडी हो जाएगी। ये मैंने इस पर भी लगा दिया है, सेम प्रोसेसर है, ले लीजिए। ट्राई करना है कि पेपर को हमेशा थोड़ा सा टाइट रखो ताकि थोड़ा पर लूज़ ना आए, तो थोड़ा लूज़ रह जाता है तो प्रिंटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप ट्राई करा करो कि पेपर थोड़ा सा भी लूज़ ना रहे, टेप को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है आपने, ठीक है। ये मैंने इसमें टेप का अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर लिया, एक टेप थोड़ा ऊपर भी लगा देना चाहिए हमें ताकि ऊपर भी ग्रिप बन जाए। ये मैंने यहाँ पर ऊपर भी लगा दिया है, ठीक है। आप पूरा तो परफेक्ट नहीं कर सकते, आप थोड़ा तो ऊपर नीचे रहता है क्योंकि थोड़ा सा बोतल भी थोड़ा ऊपर नीचे डायमेंशन रहती है, तो आप एग्जैक्ट तो आप प्रिंट नहीं कर पाओगे, पर हम ट्राई करते हैं कि बेस्ट से बेस्ट प्रिंट आपका हो जाए। ये दोनों बोतल आपकी रेडी हैं, ठीक है। अभी हमारा इस मशीन का भी टेम्परेचर नियरली पहुँच चुका है, तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है, सबसे पहले मेरे को इस मशीन के अंदर मैं इसको डाल देता हूँ शिपर को। ये मैंने यहाँ से यहाँ तक ये सिपर इस मशीन के अंदर डाल दिया है, ठीक है। ये मैंने इसको थोड़ा सा लूज़ करना है, शिपर के साइज़ के अकॉर्डिंग आपको इसमें लूज़ करना है। ये मैंने इसका लूज़ कर दिया है, इस तरीके से ये लूज़ हो गया है। ये टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है, जैसे ये अभी दोबारा टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो अपने आप काउंट डाउन भी स्टार्ट हो जाएगा। तब तक मैं इस वाले का भी आपको बता देता हूँ। ये वाली मशीन हमारी रेडी है, 3D वैक्यूम मशीन बेसिकली हमारी ये है, ठीक है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है 3D वैक्यूम मशीन में, अगर हम प्रिंट करते हैं आपके शिपर, तो ये एलिमेंट आपको ज़रूरत पड़ती है। ये पैड भी आपको अवेलेबल मिल जाएगी, कॉन्टैक्ट नंबर पर जो नंबर आपको दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन के लिंक में, नंबर दिए गए हैं आपको, उन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको इसका भी प्राइस लिस्ट भेज दी जाएगी। इसमें जो सबसे खास ध्यान रखना पड़ता है वो इसका रखना पड़ता है कि कैप जो होती है एक प्लास्टिक की होती है, तो इस पिघलने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप वैक्यूम मशीन से प्रिंट कर रहे हो। तो इसमें क्या करना है, आपको ये ढक्कन इसका हटा देना है। अभी इसको आपको बीच में रखना है, बीच का रीज़न ये है कि वैक्यूम अच्छे से बन पाएगा। अगर आपके दो, अगर आप एक प्रिंट कर रहे हो तो आपको बीच में रखना है, अगर आप दो प्रिंट कर रहे हो तो साइड वालों में रखना है, अगर आप तीन प्रिंट कर रहे हो तो तीनों के तीनों में रख सकते हो आप। ये इस तरीके से मैं इसको इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का रहता है, प्योर इंपोर्टेड रहता है और काफ़ी महंगा भी आता है। इसको मैं इसके अंदर लगा देता हूँ। हमारी 5 क्या नाम है वैक्यूम मशीन भी अभी हीट कर रही है, बीपिंग भी स्टार्ट कर दी है। ये लीजिए, ये मैंने इसको लगा दिया अच्छे से और यहाँ पर मैंने इसको अटैच कर दिया, ठीक है। अभी इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली क्या आती है वो मैं बता देता हूँ आपको। अभी मैंने ये ग्लव्स में पहन लेता हूँ इनके, मशीन हमारी बीप कर रही है। अब आप देख सकते हो इस मशीन का भी काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है 5-in-1 वाली का, ठीक है। इसमें हमें दो इसमें काफ़ी टाइम हमारा लगने वाला है। अगर छोटी मशीन की बात करूँ, ये मैंने मशीन उठाया, इस तरीके का ये वैक्यूम का पाइप आपको दिया गया है। इस वैक्यूम के पाइप को सबसे पहले आपको इस पाइप में लगाना है। आप दिखा दीजिए, इस तरीके का ये पाइप इसमें दिया हुआ है, सक्शन का पाइप बेसिकली हम इसको बोलते हैं। ये सक्शन का पाइप होता है,
इसके अंदर आपने ये इस तरीके से लगा दिया है। अभी आप देख सकते हो फूला हुआ है, ये काफ़ी स्पेस इसमें है। जब मैं इसका वैक्यूम स्टार्ट करूँगा मशीन का, तब आप देखिएगा ये सक्शन पूरा का पूरा इसको पूरा सुखा देगा। ये मैंने मशीन को डाउन कर दिया और आप देख सकते हो, मैं ग्लव्स निकाल देता हूँ पहले, आप देख सकते हो यहाँ पे वैक्यूम का साइन है। ठीक है, सबसे पहले तो मेरे को क्या करना है, वैक्यूम स्टार्ट करा मैंने, यहाँ से वैक्यूम स्टार्ट होते ही यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर की लाइट आ गई है और आवाज़ भी आनी स्टार्ट हो गई है, थोड़ी सी आवाज़ ज़्यादा आ रही है। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, टाइमिंग स्टार्ट करनी है। ये यहाँ पे 7 सेकंड मैंने फीड किया था, ये देखिए अब पूरा का पूरा काउंटडाउन बिल्कुल स्टार्ट हो गया, कम होना स्टार्ट हो गया है। तब तक हम इस मशीन के ऊपर आ जाते हैं, ये वाली मशीन कहाँ तक पहुँची हमारी, ये देखिए ये बीप हो गई। ठीक है, ये मैंने बंद कर दिया। अभी हमारी आधा शिपर प्रिंट हुआ है। अभी मेरे को क्या करना है, इस शिपर को थोड़ा सा इस तरीके से घुमाना है। ठीक है, ये टेप हट गई है हमारी, इसमें भी मेरे को ग्लव्स पहनना पड़ेगा, इसमें हमारी थोड़ी सी टेप हट जाती है तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। मैं टेप पहन लेता हूँ, काफ़ी गर्म हो जाता है ये, इसका भी मैं निकाल ही देता हूँ, बेटर रहेगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या करना है, अभी हमने इस तरीके इस साइड से इसको डालना है। अब हमारी आधी तो प्रिंट हो चुकी थी और आधी हम इस तरीके से प्रिंट करेंगे, और ये मैं घुमा देता हूँ बोतल को थोड़ा, इस तरीके से मैंने घुमा दिया। अब यहाँ पे काउंटडाउन फिर से स्टार्ट हो जाएगा, हमारा जो बचा हुआ पोर्शन है वो रह जाएगा, फिर दो बारी और करना है हमें। उसका यही रीज़न रहता है कि हम 3D वैक्यूम मशीन से शिपर बेटर प्रिंट कर पाते हैं कि 5-in-1 मशीन से बेटर प्रिंट इसीलिए नहीं कर पाते, क्यों, रीज़न उसका ये है, एक तो ये जो चौड़ाई वाला विड्थ जो है इसका ये कम है, और आप इसकी हाइट की बात करें वो हाइट भी कम है इसकी, तो इसी वजह से हम इसमें थोड़ा लेट कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाता, वो तो मैं करके दिखाई रहा हूँ आपको, इसीलिए मैंने बेसिकली वीडियो बनाई है कि आपको दोनों मशीन का अंदाज़ा हो जाए, एक ही प्रोडक्ट को दो मशीन से कैसे प्रिंट आप कर सकते हो उसका अंदाज़ा आपको हो जाएगा। अब आप इसमें देखिए, इसका पूरा का पूरा काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है। जैसे ही ये पूरा का पूरा ज़ीरो होता है, इसको मैं दिखाता हूँ आपको कि किस तरीके से आपकी प्रिंटिंग की क्वालिटी होती है, अगर कोई चेंजेस रहेगा। अभी काफ़ी डाउट ये भी रहता है हमारे पास कि प्रिंटिंग की क्वालिटी क्या अलग होती है 3D वैक्यूम मशीन की और क्या नाम है 5-in-1 की, तो वो नियरली सेम रहती है, हमने कभी ऐसा कोई फील किया नहीं है कि उनकी क्वालिटी में काफ़ी अंतर रहता है। अभी ये काउंटडाउन को कम होने दीजिए, अब आप देखिए 5-in-1 मशीन को आप देख सकते हो, इसका काउंटडाउन फिर से कम होना स्टार्ट हो गया है। जैसे ही ये पूरा होता है मैं आपको दिखाता हूँ कि किस किस तरीके से आपने आगे का प्रोसीजर करना है। अब देखिए इसका काउंटडाउन बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, दो बारी तो हमने ऑलरेडी डाल दी है मशीन। ठीक है, जितना टाइम 3D वैक्यूम मशीन लेगी शायद उससे ज़्यादा ही ले लेती है एक बारी के में, लेकिन 3D वैक्यूम मशीन वन टाइम में तीन कर देती है। अभी ये बीप हो गया, ये मैंने बंद किया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर आप देखोगे ये स्पेस दिया हुआ है, लेकिन हमारा यहाँ सबलिमेशन पेपर भी है तो हमें इसको रोटेट करना पड़ेगा, इस तरीके से हमने घुमाना पड़ेगा ये, और वापस से लगा देना है इस तरीके से। अभी जो ये वाला पोर्शन बचा हुआ था जहाँ पे जो ऊपर आया हुआ था, तो वो भी प्रिंटिंग हमारा हो सकता है बेहतर हो जाए। ठीक है, तो मैंने एक बार और रख दिया, और एक प्रोसीजर हो रहा है, मतलब चार बारी के प्रोसीजर में ये हमारी क्या नाम है शिपर प्रिंट होता है। इसमें वन टाइम में एक बारी के में एक हो जाता है, आप देख सकते हो, इसमें तीन मिनट का बची है केवल। अब आप देख सकते हो, तो देखिए ये सक हो गया है पूरा का पूरा, अच्छे तरीके से वैक्यूम बना लिया है मशीन ने। अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि किस तरीके से की क्वालिटी इसकी होने वाली है। ये मैं इसका काउंटडाउन स्टार्ट कर देता हूँ, इसका काउंटडाउन भी स्टार्ट हो गया है। अब ये देखिए हमारा काउंटडाउन केवल और केवल 10 सेकंड बचा है, 10 सेकंड के बाद मैं एक बार और रोटेट करूँगा, जब तक ये चौथा प्रोसीजर इसमें प्रिंट होगा तब तक हमारी वो वाली मशीन भी रेडी, हमारा वो वाला शिपर भी रेडी हो जाएगा। ये बीप करके मैं बीप बंद कर देता हूँ इसकी, और इसको थोड़ा सा घुमा के इस तरीके से रख देता हूँ ताकि ये और अच्छा प्रिंट हो जाए। ये मैंने इसको रख दिया, और इसका काउंटडाउन भी मैं स्टार्ट कर देता हूँ। तब तक वो होता है, ये वाली हमारा शिपर रेडी है, 750 ml का जो हमने 7 मिनट पर रखा था, ये हमारा रेडी है। ये लीजिए हमारा पूरा का पूरा काउंटडाउन बंद हो गया, ऑटोमेटिकली बंद हो गया। मैं हीटर बंद कर देता हूँ, उससे पहले हीटर मैंने बंद करा, आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा वैक्यूम बनाया था, काफ़ी गर्म रहता है इसमें, हमेशा आपको ग्लव्स पहन के इस्तेमाल करना है। इस तरीके से मैं इसको निकाल देता हूँ, ये मैं निकाल के इसको यहाँ पे रख देता हूँ, काफ़ी गर्म रहता है। बिना ग्लव्स के आपको कोई भी काम नहीं करना है अगर आप वैक्यूम मशीन का इस्तेमाल कर रहे हो। ये मैं इसके अंदर ही रख देता हूँ और इसको अभी बंद कर देता हूँ। ठीक है, तब तक ये ठंडा होता है। अब आप देखिए इसका काउंटडाउन भी हमारा स्टार्ट हो गया है, 99 सेकंड में ये वाला शिपर भी हमारा रेडी हो जाएगा। अभी हम देखेंगे कि जो मैंने 3D वैक्यूम मशीन से प्रिंटिंग की उसकी क्वालिटी क्या आई है,
और जो मैंने 5-in-1 मशीन से प्रिंटिंग की है उसकी क्वालिटी आई है। देखो सबसे ज़्यादा सवाल जो आता है वो प्रिंटिंग की क्वालिटी का ही बेसिकली हमारे पास आता है कि लोग बोलते हैं कि सर मेरी क्वालिटी वो नहीं आ पा रही जो आप ले रहे जो आप कर रहे हो वीडियो में दिखाते हो वो क्वालिटी मैं नहीं कर पा रहा मैं नहीं ले पा रहा वो प्रिंटिंग की क्वालिटी। तो उसके लिए मैं बता दूं हमारे पास दो तरीके के पेपर बेसिकली होते हैं। एक सब्लिमेशन पेपर नॉर्मल आता है 105 GSM का, ठीक है, डबल साइड होता है, किसी भी साइड आप प्रिंट कर सकते हो जिसकी 90% ट्रांसफ़र रेट रहता है। लेकिन दूसरा पेपर जो होता है वो होता है प्रोफेशनल का पेपर हमारा, जो हमारा 450 रुपये के करीब रहता है, 450-500 फ्लक्चुएशन रहती है प्राइस में हमेशा। तो वो हमारा 99% आपका ट्रांसफ़र करता है, जिसमें मैं जो मैंने अभी इस्तेमाल किया है वो मैंने वही पेपर इस्तेमाल किया है अपने वाला, जो हमारा 450-500 रुपये का आता है प्रोफेशनल का पेपर। मैं आपको दिखा भी देता हूँ आपको वीडियो में कि ये प्रोफेशनल का पेपर होता है, इस पर लिखा हुआ है प्रोफेशनल सब्लिमेशन पेपर। तो इस पेपर की क्वालिटी नेक्स्ट लेवल रहती है। ये वाला काउंटडाउन आपका केवल और केवल 39 सेकंड बचा हुआ है, ठीक है। इसके जैसे ही ये ख़त्म होता है फिर मैं दिखाता हूँ आपको कि किस तरीके से आपकी क्वालिटी होने वाली है। काउंटडाउन बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, ये मशीन ने बीप किया, ये मैंने बीप बंद की और मशीन ऑफ कर ली। मशीन को पुल करके इसको रख देता हूँ मैं यहाँ पर साइड में। अभी ये काफ़ी गर्म है, ये थोड़ा ठंडा हो चुका है इस टाइम, ठीक है। मैं ग्लव्स ये मैंने उतार दिया, अभी मैं बोतल को उठा, काफ़ी गर्म है ये। मैंने इसकी सब्लिमेशन टेप धीरे से हटा लेनी है, ये मैंने यहाँ से हटा ली, यहाँ से हटा देता हूँ धीरे धीरे करके। आपको सारी की सारी सब्लिमेशन टेप को नाखून के ज़रिए आपको हटा लेनी है। ज़्यादा रफली आप नाखून का इस्तेमाल ना करिए क्योंकि कोटिंग हटने का डर हो जाता है, कोटिंग हटेगी तो आपकी प्रिंटिंग भी हटेगी। ये मैं यहाँ चिपका देता हूँ इसको, ये लीजिए इस तरीके से प्रिंटिंग हुई है आपकी 3D वैक्यूम मशीन की, ठीक है। ये मैं रख देता हूँ, इसको उठा लेता हूँ, ये भी ठंडी हो चुकी है। इसकी सारी सारी की टेप पिल ऑफ कर लेंगे हम। ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ, जी मैंने हटा दिया इसको, और ये हमारी प्रिंटिंग की क्वालिटी रहेगी आपकी 5-in-1 मशीन की। मग मशीन से जो मैंने प्रिंट किया है वो रहेगी ये वाली क्वालिटी, और जो मैंने 3D वैक्यूम से किया है वो रहेगी इसकी ये वाली क्वालिटी। तो आप ये अभी हम जैसे कि देख पा रहे हैं कि प्रिंटिंग क्वालिटी जो है वो 3D वैक्यूम मशीन की बेहतर है। अगर आप ध्यान से देख पाओ तो 3D वैक्यूम मशीन की बेहतर क्वालिटी है हमारी, ये देखिए, और ये आपकी मग मशीन की। उसका रीज़न मैं बताता हूँ क्या होता है, रीज़न ये रहता है उसका कि प्रिंटिंग क्वालिटी हमारी 3D वैक्यूम की इसलिए बेहतर होती है क्योंकि देखिए ये मशीन जो है पूरा का पूरा वैक्यूम बनाती है, ये पूरा वैक्यूम बनाती है, बहुत अच्छी क्वालिटी इसलिए दे पाती है। वो मशीन वैक्यूम नहीं बनाती, वो हीट प्रेस मशीन है, वो जितना प्रेशर होगा वो उसी हिसाब से प्रिंटिंग करेगी। बेहतर प्रेशर जो है आप गोल चीज़ों पे नहीं दे पाती वो इतना जितना कि आपकी ये वाली मशीन अच्छा प्रेशर दे पाएगी। तो इसके मुकाबले अगर बात करूँ मग की बात करूँ अगर मैं अगर शिपर्स वगैरह की बात करूँ तो वो सारे के सारे बेहतर आप इसी पे प्रिंट कर पाओगे, ठीक है। जो मैंने इसमें टाइम टेम्परेचर जो रखा वो मैंने रखा 170 डिग्री सेल्सियस, टाइमिंग के जो रखी मैंने 7 मिनट रखी, उसमें मैंने 350 टेम्परेचर रखा, 150 क्या नाम है टाइमिंग रखी, 150 सेकंड मैंने उसकी टाइमिंग रखी। इसमें सेल्सियस में टेम्परेचर था, उसमें फेरानाइट में टेम्परेचर था, ठीक है। अभी मैं इसके ग्लव्स तो मैं उतार ही देता हूँ, अभी ग्लव्स का काम हमारा पूरा ख़त्म हो गया है। अभी मैं ये इस तरीके से इनको लगा देता हूँ यहाँ पर, इस तरीके से आपका शिपर रेडी है, ठीक है। और दूसरे वाला ये है हमारा, ये वाला शिपर भी हमारा कम्प्लीटली रेडी है। इसकी पैकिंग भी हमारी अवेलेबल होती है, मैं उसकी पैकिंग आपको उठा के दिखा देता हूँ यहाँ से। इस तरीके की पैकिंग हमारी होती है, इसमें आता है काफ़ी अच्छी पैकिंग होती है, ऐसा नहीं है कि आपको ये विदाउट पैकिंग मिलेगा। ये छोटे वाले की पैकिंग है, इस तरीके से आपकी पैकिंग आती है इसमें, इस तरीके से आप इसमें ईज़िली कस्टमर को सोल्ड आउट कर सकते हो प्रिंट करने के बाद। बड़े वाले की पैकिंग मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा इस तरीके से पैकिंग में ये हमारा आता है, पॉलीथीन आती है, पूरा का पूरा बॉक्स आता है जिसके थ्रू आप हमसे परचेज़ कर सकते हो। अगर आपने इन शिपरों के प्राइस वगैरह जानने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी आप अपने सजेशन भी शेयर कर सकते हो कि हमें नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए, ठीक है। वो टॉपिक आपको जल्द से जल्द शेयर कर दिया जाएगा, उसी पे एक वीडियो हम बना देंगे। ट्राई करते हैं कि जल्द से जल्द वीडियो आती रहें, कभी कभी टाइम नहीं मिलता तो वीडियो भी शायद लेट हो जाती हैं। इस बार काफ़ी लेट हो गई, एक से डेढ़ महीना हो गया हमारा वीडियो ट्रेनिंग वीडियो नहीं आ पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा।